मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम खड़े हैं भिलाई के ब्रिज के ऊपर जो पावर हाउस से चलती है। आप देखिए ब्रिज में यहाँ पर एक देखो, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रिज बन रही है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। देखिए एक्चुअली ये एक्सीडेंट ना ऐसे हुआ है कि यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी, उसका टायर पंचर था और पंचर होने के बाद गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, वहाँ से ऑटो आई और ऑटो आने के बाद वो उसमें ठोक क्यों ठोकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए पूरी लाइट नहीं है, यहाँ पर यहाँ एक भी लाइट नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट था वो नहीं है और यहाँ काम चल रहा है। कम से कम प्रशासन को यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। वो ड्राइवर को दिखा नहीं ऑटो वाले को और उसने ठोक दिया, उनका बहुत नुकसान हुआ है। मैं आइए दिखाता हूँ, उनका बहुत नुकसान हुआ। अभी भी गाड़ी लगातार यहाँ पर जा रही है, हो सकता है और भी दुर्घटना हो गया और भी एक्सीडेंट हो गया। ये देखिए इनका कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा ये टूट गया, वो ऑटो का तो पूरा कांच टूट गया, वो चला गया। और आइए हम लोग भैया लोग से बात करते हैं। भैया लोग अंकल, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ थोड़ा बताइए ना। टायर पंचर हो गया। हाँ हाँ। और गाड़ी खड़ी थी, ऑटो वाले को बोल भी रहे हैं क्योंकि वो नहीं माना, मोटा मेरे दिखा यहाँ नहीं दिखा, यहाँ लाइट नहीं है, इसकी वजह से ब्रिज है। बी एस पी पर लाइट लगा होना चाहिए, यहाँ काम चल रहा है, काम चलने के बाद में इसको लाइट को बंद कर दिया गया है, कट गया है। तो यहाँ प्रशासन को ध्यान नहीं देंगे, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कोई गिर गया था, एक लेडीज गिर गई थी। तो यहाँ पर जो है उसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसी बात को मैं आगे बताऊंगा आपको, लोगों से भी बात करूंगा, दिखाऊंगा मैं और भी इस पर न्यूज़ बनाऊंगा आगे, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को और हिम्मत दीजिए, सब्सक्राइब करिए हम लोगों को और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।